हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के एक और नए ब्लॉग में। तो आज हम आए हुए हैं अपने दीदी के गांव में, तो आप सभी को गांव की सुंदरता दिखाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हम अभी खेत में हैं। हमारे साथ ये मेरा भागना है शिवा, हाई कर दे भाई, और उधर विवेक है। चलिए आप सभी को आम का पेड़ दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पपीता का पेड़ है और इसमें बहुत सारा पपीता लगा हुआ है। अब चलिए आप सभी को आम का पेड़ दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आम का पेड़ है और इसमें देखिए कितना सारा आम लगा हुआ है, और ये बिल्कुल मेरे हाथ का करीब है, लेकिन मैं ये तोड़ूंगा नहीं क्योंकि ये पेड़ दूसरे का है। देखिए ढेर सारा आम लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे शिवम हवा खा रहा है, गांव का हवा। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से कितना अच्छा व्यू नज़र आ रहा है गांव का, और वहाँ पे सरकारी स्कूल है सामने में वहाँ पे, और ये बीच में नहर है लेकिन इसमें अभी पानी सूखा हुआ है। देख सकते हैं शिवम अभी हमको लेके जा रहा है पीपल के पेड़ दिखाने के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसा पीपल का पेड़ है। तो गांव घूमते हुए हमको बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का हवा जो है जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और चारों तरफ जो नज़ारा है, जो व्यू है वो काफ़ी सुंदर है। तो यहाँ पर शिवम हमको बहुत ही अच्छा तरह से गाइड करके घुमा रहा पूरा गांव। जो आप लोग देख सकते हैं हमारे पीछे ही काची शिवम, इसको काची बोलते हैं, कुंज बोलते हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसको क्या बोलते हैं आप लोग। इधर भी बना हुआ है, इधर भी देख सकते हैं, एक दो इधर भी। फिर चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या। यहाँ पे देख सकते हैं शिवम विवेक ये सब आम तोड़ रहा है। देखिए आम कितना सारा आम है यहाँ पे, और लोग तोड़ने का प्रयास कर रहा है लेकिन तोड़ेगा नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं यही वाला तीन पेड़ हम लोग देखने आए थे, शिवम दिखाने के लिए लेके आया था, और अभी यहाँ पर देखिए हवा खा रहा है बैठ करके। अभी थोड़ा देर में चलेंगे फिर वहाँ पे। जो पीपल का पेड़ शिवम दिखाने के लिए हम लोग को लेके आया था वो वाला पेड़ देख सकते हैं, यही वाला पेड़ दिखाने के लिए वो लेके आया था। बोल रहा था चलिए मामू वहाँ पे तीन पेड़ है पीपल का एक ही साथ, यही एक दो तीन यही वाला पेड़ है। चलिए आप लोग को बैक कैमरे से दिखाते हैं। तो गाइस अभी हम उस पेड़ के पास में आ गए थे जो पेड़ शिवम हमको दिखाने के लिए लेके आया था, पीपल का पेड़ यही वाला पेड़ है। और देखिए शिवम आके पेड़ पे चढ़ गया है, एक पेड़ ये है, एक पेड़ इधर है और एक पेड़ उधर है, तीन पेड़ यहीं पर लगा हुआ है रोड के किनारे में। और शिवम देखिए वहाँ पे, देखिए बंदर की तरह ऊपर चढ़ के बैठ गया, लेकिन ये पेड़ में कुछ खाने के लिए नहीं है, और एक बंदर नीचे सोच रहा है कि ऊपर कैसे चढ़े, इसको चढ़ने नहीं आ रहा है, चढ़ने का कोशिश कर रहा है। काफ़ी कोशिश करने के बाद विवेक भी ऊपर पहुंच गया है, और दोनों देखिए किस तरह से मस्ती कर रहा है। देख सकते हैं ये दोनों पेड़ पर से नीचे उतर गया। चलिए पूछते हैं दोनों से कैसा लगा ऊपर चढ़ के। कैसा लगा ऊपर चढ़ के विवेक? बहुत अच्छा। तुमको कैसा लग रहा था? तो तुम रोज चढ़ता है यहाँ पे? शिवम बोल रहा है हम यहाँ पर रोज आके चढ़ते हैं। चलिए अब चलते हैं वापस घर की ओर, देखते हैं रास्ता में और क्या कुछ मिलता है। तो आप लोग को एक चीज़ और दिखाते हैं, रास्ता में आते आते यहाँ पर देखिए कि खजूर का पेड़ यहाँ पर दिख गया है। तो देखिए यहाँ पे कितना सारा खजूर लगा हुआ है, लेकिन ये अभी कच्चा है, और ये दोनों अभी सोच रहा है कि पक्कल होता तो तोड़ते, लेकिन है ये कच्चा। कि गांव में कितना अच्छा लगता है, रोड देखिए कितना क्लियर है, यही सिटी में पूरा ट्रैफिक जाम रहता है। और देखिए एक उधर पहाड़ है, एक उधर पहाड़ है। अभी हम लोग चलते चलते थक गए थे तो देखिए यहाँ पे बैठ गए हैं, अभी कुछ देर यहाँ पे बैठ जाते हैं, उसके बाद फिर आगे आप लोग के दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा पुल है, चलिए इस पुल को पार करते हैं। ये अभी नहर सूखा हुआ है, अभी इसमें पानी नहीं है। आ जाओ शिवम। अभी हम लोग फिर से एक आम का पेड़ देखने जाने, देखिए वहाँ पे बहुत बड़ा आम का पेड़ है। देखिए ये जो पेड़ है जो ये गांव का सबसे बड़ा पेड़ है आम का, काफ़ी बड़ा है,
देखिए बहुत ही बड़ा है और इसमें आम भी काफ़ी सारा है, आप लोग को बैक कैमरे से दिखाते हैं, देख सकते हैं। गांव का ये सबसे बड़ा पेड़ है आम का, इसी में से विवेक और शिवम अभी आम तोड़ा है। शिवम आम तोड़ने का प्रयास कर रहा है, ढेला से मार रहा है। देखा देखिए यहाँ पे विवेक एक छोटा सा आम तोड़ा है, देखा नाम तोड़ा शिवम, देखा तो देखिए शिवम दिखा रहा है, देखिए विवेक कै गो एक विवेक, देखिए दो मेरे हाथ में। आप लोग देख सकते हैं अंदर से पूरा बिल्कुल पीला है। खाने में कैसा लग रहा है शिवम? मीठा लग रहा है खाने में। अभी हमको शिवम जामुन का पेड़ दिखाने के लिए लेके आया है। किधर है जामुन का पेड़ शिवम? ये वाला है, देखिए जामुन का पेड़, देखिए ये वाला है जामुन का पेड़, लेकिन अभी जामुन का सीजन नहीं है इसलिए अभी इसमें जामुन नहीं है, फूल लगा हुआ है, बस बरसात के टाइम में यहाँ पे जामुन हो जाएगा। यहाँ पर एक घोंसला नज़र आया, इसमें एक अंडा भी है, ब्लू कलर का अंडा है लेकिन पता नहीं किस चीज़ का, आप लोग कमेंट में बताइएगा। देखिए ब्लू कलर का अंडा है, हम पहली बार देख रहे हैं ऐसा अंडा। तो गाइस ये वीडियो दूसरा दिन शूट कर रहे हैं और दूसरा दिन हम फिर से यहाँ पे देखने के लिए आए हैं, जो कल अंडा यहाँ पे जो हमने देखा था वो एक अंडा है, तो आज फिर से देखने के लिए आ गए हैं कि आज कितना अंडा है। चलिए आप सभी को दिखाते हैं, यही वाला घोंसला के अंदर वो अंडा है, तो आप लोग देख सकते हैं कि आज यहाँ पे तीन अंडा हो गया है। देखिए काफी सुंदर लग रहा है, ब्लू कलर का है अंडा, काफी सुंदर है, इसे हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसी तरह से छोड़ देते हैं। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आप लोग से फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।